मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना। और हम चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि किस बारे में फोटो एडिटिंग है, तो हम चलते हैं आगे वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, पहले हम लाइटरूम में जाएंगे, वहाँ पे हमारा फ़ोटो लेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लाइटिंग में। पहले अपन कलर में चलेंगे दोस्तों, फिर जाएंगे मिक्स में, उसके बाद सबसे पहले ग्रीन कलर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका सेचुरेशन -100 और ह्यू -100, सेचुरेशन +100, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं येलो, हाँ येलो को चूज़ करेंगे, उसका सेचुरेशन ह्यू -, सेचुरेशन 52, प्लस कर देंगे ह्यू सेचुरेशन 50-50। उसके बाद इसका ही ब्लू लेंगे, इसका सेचुरेशन -, प्लस कर देंगे इसमें भी 87-34। उसके बाद इसका टेम्परेचर प्लस करेंगे 9। फिर इसका वाइब्रेंस प्लस करेंगे 6 और सेचुरेशन -8 कर देंगे दोस्तों। उसके बाद चलेंगे हम ये इसमें, फिर इसकी क्लेरिटी बढ़ाएंगे 6-5 और इसका विग्नेट कम करेंगे दोस्तों 26 और मेड पॉइंट -35 और फेदर 34 और ब्राइटनेस 6, राउंडनेस 6 और त्रिभुज पे जाने के बाद शार्पनिंग बढ़ा देंगे। शार्पनिंग बढ़ाने के बाद दोस्तों इसमें नॉइस रिडक्शन बढ़ा देंगे और कलर नॉइस रिडक्शन बढ़ा देंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम और जो पहले बिफोर आफ्टर देख लेते हैं कैसी लग रही है फोटो। ठीक है अभी तक तो, उसके बाद चलते हैं हम लाइटिंग में। लाइटिंग में जाने के बाद कंट्रास्ट या हाईलाइट माइनस करेंगे, शेडो माइनस, वाइट माइनस, शेडो प्लस, ब्लैक माइनस, जो भी सेटिंग रखी हुआ आप देख लेना और कर लेना। उसके बाद क्रो में जाने के बाद सबसे पहले हम ब्लू कलर सिलेक्ट करेंगे और उसमें से इस डंडी को हिला के देखेंगे भाई किधर अच्छा लगता है। इसको डाउन, थोड़ा डाउन रखना, और उसके बाद ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद उसे भी थोड़ा डाउन स्टेप में मामूली सा रखना है। फिर रेड में, ठीक है दोस्तों रेड को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वाइट में थोड़ा डाउन करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से कर लेंगे डन। करने के बाद हम चलेंगे कलर्स में, उसके बाद जाएंगे ये तीन गोले दिख रहे हैं, बस वहीं पे जाना है वो, और हमें ये शेडो दिख रहा है, इस वाले गोले पे दबा के हमें फोटो को मैच करना है। तो हम कौन सा कलर सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले ब्लू कलर सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ से इसका 19 रखेंगे साइज उसकी, और हम चलेंगे हाईलाइट में। हाईलाइट में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कलर लेंगे येलो वाला लेने के बाद दोस्तों फोटो इसको हम 32 कर लेंगे। 32 करने के बाद डन करेंगे और यहाँ से चलेंगे दोस्तों सीधा हम गोल सर्कल पे। इस पर जाने के बाद प्लस पे दबाएंगे और एक गोले पे दबाएंगे दोस्तों, और इसको मॉडल पे फिल करेंगे, उसके बाद लाइटिंग पे दबाएंगे और इसका एक्सपोजर 44 प्लस करके डन करेंगे। और जब डन करने के बाद दोस्तों और प्लस पे दबाएंगे और नीचे से हम इसको बढ़ाएंगे, थोड़ी डार्कनेस डालेंगे नीचे से, तो इसका एक्सपोजर -17 कर देंगे। फिर फोटो देख सकते हो दोस्तों कैसी बनी, कैसी बन गई।
अगर फोटो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना।